मोगली तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी आप लोगों को दिख ही रहे हैं। बेचारा जंगल में रास्ता भूल गया है। इस बच्चे को मोगली और उसका परिवार तभी गोद ले। ये देख सकते हैं कि पेड़ जो है ना काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है, बहुत सारा बैठा हुआ है। ये देख सकते हो बहुत मस्त लाइटिंग और ये देख सकते हो यहाँ पर हाथी है, बंदर है। अपनी फैमिली के साथ ना मोगली काफी ज्यादा जो है एंजॉय कर रहा है। कुछ कुछ शायद वर्किंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए अभी चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 2 के पंडाल, जहाँ पर बना हुआ है द जंगल बुक। और जंगल बुक मोगली से रिलेटेड है, मोगली से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना वो सभी चीज़ें दिखाई गई है यहाँ पर। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और टिकट्स का स्टार्टिंग प्राइस 20 रुपये है, तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है सेक्टर 6 के पंडाल से बाहर ना हर साल इस तरीके से ना काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं, बट आज फर्स्ट डे है ना तो भीड़ थोड़ा सा कम है, बाकी यहाँ पर स्टॉल्स ना बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा पेयर्स है, ये देख सकते हो कप्स वगैरह है, ये देख सकते हो खाने पीने का सामान है, फायर पान है, यहाँ पर चूड़ियाँ है 10 रुपीज़ वाला सामान है स्टॉल्स। यहाँ पर टॉप्स वगैरह है जो कि मैं देखूंगी, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। बाकी चलते हैं, ये देख सकते हो थीम जो है यहाँ का है जंगल बुक, और देखते हैं कि टिकट्स वगैरह कितने का है, ठीक है। क्या प्राइस है टिकट्स का? 20 का एक। 20 का स्टार्टिंग है जनरल। हाँ। सो गाइस ये देख सकते हो आप लोग 20 रुपये का यहाँ पर टिकट वगैरह है, ये देख सकते हो। सो गाइस ये देख सकते हो ये रे गणपति बप्पा ना सेक्टर 2 का जो पंडाल था ना उसमें बैठे हुए थे, और ये देख सकते हो जंगल बुक बना हुआ तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी आप लोगों को दिख ही रहे हैं। तो ये प्यारा सा भालू है और उसके साथ है मोगली। तो चलते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये जो थीम है ना वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप का ये जो है बना हुआ है। वाओ ये देख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है कैरेक्टर का नेम, बट जो मोगली है ना वो इन्हीं लोग के साथ तो रहता था। ये तो मनुष्य है कि नहीं? ये कहाँ से आया? वो बेचारा जंगल में रास्ता भूल गया है। इस बच्चे को मोगली और उसका परिवार तभी गोद ले सकता है जब हमारी बिरादरी के सदस्य आदि हो जाए, लेकिन मोगली और चमेली को छोड़कर। जवाब दीजिए। ये देख सकते हैं कि पेड़ जो है ना काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीम दिया गया है। आगे चलते हैं और आगे दिखाती हूँ कि और क्या क्या क्रिएट किया गया है। तो ये देख सकते हो अगेन जो मोगली है, मोगली का जो परिवार है, ठीक है, मोगली अपने परिवार के साथ किस तरीके से ऐसा बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं जंगल का काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ना ऐसा नियॉन कलर का, और ये है बघीरा। बघीरा के साथ, बघीरा के ऊपर मोगली बैठा हुआ है और तोता बैठा हुआ है, ये देख सकते हो बहुत मस्त लाइटिंग किया गया है। और ये देख सकते हो मोगली हाथी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बंदर है नाम मुझे आई एम सो सॉरी याद नहीं है यार। और ये देख सकते हो यहाँ पर हाथी है, बंदर है, अपनी फैमिली के साथ ना मोगली काफी ज्यादा जो है एंजॉय कर रहा है। कुछ कुछ शायद वर्किंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए अभी चल रहा है। मोगली और उसका परिवार तभी गोद ले सकता है जब हमारे बिरादरी के सदस्य शामिल हो जाए, लेकिन मोगली और चमेली को छोड़कर। जवाब दीजिए। ये देख सकते हो मोगली किस तरीके से ऊपर में लटक रहा है और नीचे जो है मगरमच्छ से बच के वो ऊपर पे चढ़ा हुआ है, ये देख सकते हो मरे हुए मगरमच्छ। वाह यार ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हो ये है बघीरा। बघीरा के ऊपर जो है वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ये देख सकते हो। और फिर ये
मोदी और उसका परिवार सभी गोद ले सकता है जब हमारी बिरादरी के सदस्य लेकिन मोदी और चमेली को छोड़कर जवाब दीजिए। डेकोरेशन जो है काफी ज्यादा सुंदर तो लग रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेक्टर 2 का जो पंडाल था ना, तो उसी का जो है यूटिलाइज किया गया।